इधर करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बलिदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला बहुत बड़ा सम्मान है। ये वैश्विक शांति के लिए उनके योगदान को अमर बनाएगा। साथियों, संकट के समय में हमारी सेना और सुरक्षा बल देवदूत बनकर न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी नागरिकों को भी निकाल कर लाते हैं। मुझे याद है जब सूडान से भारतवासियों को निकालना था तो कितने सारे खतरे थे, लेकिन भारत के जवानों ने अपना मिशन कोई नुकसान हुए बिना कामयाबी के साथ पूरा किया। तुर्की के लोग आज भी याद करते हैं कि ये जब वहां भयंकर भूकंप आया तो किस तरह हमारे सुरक्षा बलों ने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए वहां दूसरों का जीवन बचाया। दुनिया में कहीं पर भी भारतीय अगर संकट में है तो भारतीय सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल उन्हें बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भारत की सेनाएं और सुरक्षा बल संग्राम से लेकर सेवा तक हर स्वरूप में सबसे आगे रहते हैं। और इसलिए हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर, हमें गर्व है हमारे सुरक्षा बलों पर, हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है आप सभी पर। मेरे परिवारजनों, आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे, और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अडिग ये मेरे जांबाज साथी खड़े हैं। आपकी सेवा के कारण ही भारत भूमि सुरक्षित है और समृद्ध के मार्ग पर प्रशस्त भी है। पिछली दिवाली से इस दिवाली का जो कालखंड रहा है, जो एक साल गया है, वो विशेष तौर पर भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा हुआ है। अमृतकाल का एक वर्ष भारत की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक वर्ष बना है। बीते एक वर्ष में भारत ने चंद्रमा पर वहां अपना यान उतारा जहां कोई देश पहुंच नहीं पाया था।
इसके कुछ दिन बाद ही भारत ने आदित्य L1 की भी सफल लॉन्चिंग की। हमने गगनयान से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण भी सफलता से पूरा किया। इसी एक साल में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ। इसी एक साल में भारत ने तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की शुरुआत की। इसी एक साल में बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। आपने देखा कि खेल की दुनिया में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। सेना और सुरक्षा बल के कितने ही जवानों ने भी मेडल जीतकर लोगों का दिल जीत लिया है। बीते एक साल में एशियन और पैरा गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल की सेंचुरी बनाई। U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारी महिला खिलाड़ियों ने विश्व कप जीता है। 40 वर्षों बाद भारत ने IOC की बैठक का सफल आयोजन किया है। साथियों, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का कालखंड भारतीय लोकतंत्र और भारत की वैश्विक उपलब्धियों का भी वर्ष रहा है। एक साल में भारत ने संसद की नई इमारत में प्रवेश किया। संसद की नई इमारत में पहले सत्र में ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। इसी एक साल में दिल्ली में G20 का सफलतम आयोजन हुआ। हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और ग्लोबल बायोफ्यूलर अलायंस जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए। इसी कालखंड में भारत रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना। इसी कालखंड में भारत का एक्सपोर्ट $400 बिलियन को पार कर गया। इसी समय में ग्लोबल GDP में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। इसी समय में हम 5G यूजर बेस के मामले में यूरोप से भी आगे निकल गए। साथियों, बीता एक साल राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण राष्ट्र बना है, महत्वपूर्ण वर्ष बना है। इस साल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। इसी कालखंड में हमने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत की। देश को अपनी पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत का उपहार मिला। भारत के 34 नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरने लगी है। हमने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का श्रीगणेश किया। दिल्ली में 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि और भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत एशिया के सबसे अधिक विश्वविद्यालयों वाला देश बन गया है। इसी दौरान कच्छ के धोर्डो सीमावर्ती गांव, रेगिस्तान का गांव, छोटा सा गांव धोर्डो, उस गांव को संयुक्त राष्ट्र से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। हमारे शांति निकेतन और होयसाला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए। साथियों, जब तक आप सीमाओं पर सजग खड़े हैं, देश बेहतर भविष्य के लिए जी जान से जुटा हुआ है। आज अगर भारत अपनी पूरी ताकत से विकास की अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है तो उसका श्रेय आपके सामर्थ्य को, आपके संकल्पों को और आपके बलिदानों को भी जाता है। मेरे परिवारजनों, भारत ने सदियों के संघर्षों को झेला है, शून्य से संभावनाओं का सृजन किया है। 21वीं सदी कहा भारत अब आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर कदम बढ़ा चुका है। अब संकल्प भी हमारे होंगे, अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। तो जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वो बता रहे हैं कि देश सुरक्षित है, इसीलिए रोज नई उपलब्धियां गढ़ रहा है।